Hey guys, very very good morning and welcome to my channel Indian Mom Kanchan. So guys, अभी कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे होंगे अभी. खाना वगैरह बन गया है, यहाँ पे लाके रख दिया है खाना. और ना मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए रख दिए हैं. हम दोनों का नहाना हो गया है और बच्चे बाद में नहाएंगे. थोड़ी देर के बाद उसे नहला दूंगी, अद्विक को, और माही भी नहा लेगी तो नहाना भी हो जाएगा. क्लीनिंग तो अभी है नहीं कुछ, ये छोटे से रूम क्लीन करनी पड़ती है तो ये क्लीन कर ली. यहाँ पर तो पोछा भी नहीं मारा है तो ये हो गया, क्योंकि नीचे के पैर ऊपर आते हैं तो गंदा हो ही जाता है. तो थोड़ी देर में जब दरवाज़ा बंद करती हूँ ना तो उस टाइम पोछा मारती हूँ. तो और पोछा भी मेरा टूट गया यार, वो डंडा टूट ही जाता है मॉप का. किस किस का ऐसे होता है मुझे ज़रूर बताना. मेरा तो 3-4 मैंने बदल दिए. वो मॉप वैसे के वैसे ही होता है, उसका वो जो डंडा होता है ना वही टूट जाता है. मतलब उसका अंदर का जो स्प्रिंग होता है या क्या होता है पता नहीं, पेज होते होंगे पता नहीं क्या होता है, तो वो टूट ही जाता है. मतलब अच्छे से वो ड्राई नहीं होता है. जो काम करने के लिए आते हैं उन्होंने यूज़ किया होगा, उनको कुछ आया नहीं होगा यूज़ करना, तो इसीलिए उन्होंने तोड़ दिया होगा वो, या तो इन्होंने तोड़ा होगा मुझे नहीं पता. इनको पूछा भी नहीं अभी तक मैंने. नीचे का जब क्लीन करने गई, मैं किचन क्लीन करने गई तो मुझे दिखा वो टूटा हुआ. तो अभी मशीन भी लगा दी है मैंने. एक मिनट, मशीन में कपड़े चल रहे हैं. तो मशीन के कपड़े निकाल दूंगी, सुखाने के लिए डाल दूंगी. और वो फर्नीचर वाले आने वाले हैं आज नाप लेने के लिए, तो वो फर्नीचर वाले नाप लेके जाएंगे. और एक्चुअली हमें भी शायद जाना पड़ेगा आज फर्नीचर का, जो मायका है वो सिलेक्ट करने और जो कुछ सामान लेना है वो लेने, तो हमें भी जाना पड़ेगा. शायद जाना पड़ सकता है आज, नहीं तो फिर सामान कर लेंगे. एक्चुअली उनका ना अभी तक वो आ जाते, फर्नीचर स्टार्ट हो जाता नीचे का, बट उन्होंने कुछ काम लेके रखा था तो वो काम उनको कंप्लीट करना था किसी के यहाँ का. और पता नहीं कितने बज रहे हैं यार, 10:15 बज रहे हैं. तो उनके यहाँ का उन्होंने काम कंप्लीट करना था इसीलिए ये थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो अभी तक तो हो जाता. मैंने उनको बोला है कि दिवाली से पहले मुझे चाहिए, और वो भी दिवाली से 15 दिन पहले चाहिए. तो बोल रहे थे कि हाँ बना के दे देंगे, नाइट करेंगे फिर भी बना के दे देंगे. तो पता नहीं अभी उन्होंने जो बोला है वो होगा या नहीं, बट मुझे नहीं लगता ऊपर के 2 रूम होने वाले हैं इतने जल्दी, नहीं तो क्योंकि 1 महीना भी कम टाइम है. अभी दिवाली में 1.5 महीना टाइम है और 15 दिन पहले तो क्लीनिंग ही स्टार्ट करनी पड़ेगी मुझे. तो उनको बोला है मैंने, 1 महीना ही है, 1 महीने में जितना होता है उतना आप करके दो, उसके बाद नहीं होगा तो दिवाली के बाद स्टार्ट करें. तो बोले कि ठीक है. तो अभी वो आने वाले हैं नाप लेने के लिए, देखते हैं क्या होता है. नीचे का मैं किचन दिखा दी हूँ आपको, कितना गंदा. अभी तो बहुत क्लीन है यार, मैं क्लीन करके आई हूँ. जब सुबह मैंने दिखाना था आपको, मैं भूल गई एक्चुअली ना. सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और कामों में लग जाती हूँ ना, तो मैं भूल ही जाती हूँ ब्लॉगिंग करना. तो मैं सुबह भूल गई जब मैंने क्लीनिंग की सुबह. मतलब रात को तो मैं थक जाती हूँ, रात को तो क्लीनिंग हो ही नहीं पाती है, बहुत लेट जाते हैं वो लोग और रात को क्लीनिंग नहीं हो पाती है. मैं दिखाती हूँ आपको नीचे चल के कि कैसा हुआ है, मतलब क्या क्या उन्होंने किया है. और किचन का सारा कुछ हो गया है एक्चुअली, उधर का बाकी है, डाइनिंग एरिया का हो गया है. तो डाइनिंग एरिया का मैं POP दिखाती हूँ आपको, और उसके बाद जो जो काम हुआ है वो दिखाती हूँ. अभी नीचे आप देख सकते हो बिल्कुल गलाठा पड़ा है सब कुछ, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए. यहाँ पर डाइनिंग ला के रख दिया है और डाइनिंग पे ये सारा सामान है. और देखिए आप, मतलब इतनी ज़्यादा धूल है ना घर पे, और वो भी वाइट वाइट धूल जो POP की होती है वो. और यहाँ पर फ्रिज भी ला के रखा है. और यहाँ पर देखिए ये जो है ये फ्लावर पॉट मैं ऊपर लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, ये पूरा कबाड़ा हो रहा है इसका. और यहाँ पर पूरे जो पुट्टी की बैग्स है वो है, कलरिंग का जो वो है पिछले व्लॉग में आपने देख ही लिया. और ये सारा कुछ आपको दिखा देती हूँ, पूरा गंदा है बट फिर भी धूल धूल धूल, हर जगह धूल ही धूल है. ये सारा सामान देख लीजिए आप. और इसके बाद चलते हैं किचन में, तो किचन में देख लेना आप कि कैसा है. यहाँ पर हम लोगों ने वो टॉवल लगा दिया है, यहाँ पे वो फटा हुआ था तो इसी वजह से वो लगा दिया है. तो मैं लाइट ऑन करती हूँ, लाइट ऑन करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है. तो यहाँ पर POP हुई है, तो ये POP भी आप देख लीजिए, यहाँ की POP थोड़ा सा ही हुआ है. ये यहाँ पर लगा के रखा है इन्होंने, सिर्फ इतना बना के रख दिया है. इस तरह से डिज़ाइन आपको पता ही चल गई होगी कि कैसी है. उसके बाद हम लोग चलते हैं किचन में. तो किचन में जो POP हुई है वो सिर्फ डाइनिंग के ऊपर ही हुई है अभी, और इधर का बाकी ही है. तो इधर का मैं आपको बाद में दिखा दूंगी जब होने के बाद. और यहाँ पर मैंने क्लीन किया था सारा कुछ, और आप देख सकते हो यहाँ पर दूध ना इन्होंने रख दिया,
और भूल गए, तो ये दूध मुझे बंद करना है। और उसके बाद ये कवर किया था, इससे भी ज़्यादा कवर करते हैं अच्छे से, बट वो जाने के बाद ना फिर वहाँ पर गैस के पास जाने के लिए जगह नहीं रहती है, तो फिर वो निकाल देते हैं जाने के टाइम, और उसके बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर और POP बनेगी, ये POP डाइनिंग एरिया की है। तो ये इस तरह से है, अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है, मतलब फिनिशिंग तो की है बट जो फाइनल टच है वो बाकी है। और ये शेल्फ कुछ इस तरह से फटी हुई चादर से ढक के रखा है, बांध दिए उन्होंने उस पर चादर, और यहाँ पर पूरा नीचे गला है। सिर्फ मैं ना उतना ही क्लीन करती हूँ जितना मुझे यूज़ करना होता है, मतलब खाना बनाने के लिए, तो चिमनी के नीचे का सिर्फ उतना क्लीन कर लेती हूँ, इतना ये जो एरिया है मतलब काउंटर टॉप ये क्लीन कर लेती हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अभी अभी बर्तन क्लीन किए थे और कप वगैरह क्लीन करके अंदर रख दिए, वो मसालेदानी भी अंदर रख दी, और उसके बाद जो बर्तन क्लीन किए थे वो मैंने स्टोर रूम में रख दिए हैं। तो यहाँ पर ये वाज भी यहीं पर रखा है, सारा कुछ मुझे वॉश ही करना है यार, पूरा गंदा हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो रहने दो, इधर ही रहने दो, जब मतलब सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद मैं पूरा क्लीन करूँगी। वैसे भी अभी उठाने से और उठा के लेके जाने से कहाँ कहाँ रखे कौन कौन सी चीज़, और दरवाजे भी पूरे गंदे हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से बर्तन जो क्लीन किए हुए थे तो वो मैंने ढक के रख दिए हैं, और ये भी बर्तन इतने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं तो ये भी अभी पूरे क्लीन करने पड़ेंगे। और ये भगवान की इस पर धूल देखो आप, कभी भगवान के इस पे धूल नहीं रहता है, बट आज मेरे भगवान के इस पे यहाँ पे भी धूल है। वैसे किचन का काम चल रहा है तो धूल तो यहाँ पर आएगी यार, मतलब उसको तो हम लोग रोक नहीं सकते। देख लिया आपने हम लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा तो बिल्कुल नीचे आने का मन नहीं करता है, बट किचन यूज़ करने के लिए आना ही पड़ता है। तो यहाँ पर यहाँ का दिखाना बाकी, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। तो ये एरिया मतलब पैसेज है यहाँ का, तो ये जो है मतलब यहाँ पर कॉमन लैट्रिन के पास जाता है, तो यहाँ पर भी POP हो रही है। तो ये पूरा पैक किया है, यहाँ पे एक स्क्वायर वाले डिज़ाइन बनेगी, वो बहुत अच्छे डिज़ाइन दी है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर PVC लगवाई है ये, तो ये वाइट कलर की ली है यार, मतलब इससे मैच कोई कलर मिल ही नहीं रहा था PVC का, तो ये ली है वाइट कलर की। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पूरे कपड़े यहाँ पर इनके हैं, ये वाला बाथरूम का काम हो चुका है ना, तो यह बाथरूम में इन्होंने ये कपड़े ला के रख दिए हैं। तो यहाँ पर उनके कपड़े हैं सारे, मतलब बाहर जाने के यूनिफॉर्म वगैरह वहाँ पर ही ला के रख दिए हैं। और ये टॉयलेट में PVC हुई है, तो इसका लाइट लगाना बाकी है अभी, तो ये मैं आपको फाइनल हो जाने के बाद दिखाऊँगी कि कैसे लगेगा। यहाँ पर लाइट लगाना बाकी है, उसके बाद यहाँ पर वो डिज़ाइन होगी स्क्वायर वाली, उसके बाद ये यहाँ पर शक्करपारे वाली डिज़ाइन होगी, उसके बाद यहाँ पर जाते हैं लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम तो पूरा कबाड़ा बन चुका है, फिर भी यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन दिखा देती हूँ, ये आपको इतनी समझ में नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर जो ये गाले दिख रहा है उसके अंदर CNC लगेगी, तो ये टेक्सचर बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर जब कलर लगेगा तो आपको पता चलेगा सब कुछ। और ये देखिए इनको सबको कॉल करना होता है सुबह सुबह, तो आप देख सकते हो नीचे आते हैं नहा धो के, और जीन्स पे देखिए वो वाइट सीमेंट लगा है, पैरों पे वाइट सीमेंट लगा है, तो इसी तरह से हमारे सबके मतलब पैरों पे वाइट सीमेंट ही लगा होता है दिन भर। और ये मायका भी लेना है बोले साथ में, तो मायका का फोल्डर जो है वो साथ में ले लेंगे बोले, और अभी मायका मत लो बोले, फिर उसके बाद में जैसे काम होगा वही इस हिसाब से ले जाएंगे, तो बोले मैडम को भी साथ में लेके दो चीज करना उस हिसाब से ले लेंगे, तो अभी वो बोझ माफ करके जाएंगे उसी गाड़ी में डाल लेंगे, और मायका का फोल्डर जो सैंपल है वो घर में लाके अपन उसमें ले देख लेंगे क्या करना क्या, ठीक है, वो भी मेजरमेंट करने आ जाएंगे। मतलब हम लोग अभी उनको जहाँ जहाँ हमें बनाना है तो वहाँ पर हम लोग उनको जगह दिखा देंगे, और उसके बाद फिर जो काम होगा वो स्टार्ट होगा उनका। कल से काम स्टार्ट होगा या आज से ही? कल से हाँ, तो कल से तो उनका काम कुछ लेके रखा था उन्होंने, इसी वजह से वो आ नहीं पाया। अभी आएंगे तो पता नहीं अभी इतनी जल्दी वो कर पाएंगे या नहीं, उनको बोलूँगी कि ज़्यादा मतलब वर्कर लगाने के लिए, तो पता नहीं अभी कितने कारपेंटर लगाने वाले हैं वो काम करने के लिए। यार मुझे तो टेंशन आ रहा है, भी नहीं आ रहा है मुझे कि क्या करे क्या नहीं, ये घर में तो कहाँ काम करे, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, और दूध रख दिया था आपने, हाँ दूध इन्होंने गर्म करने के लिए रखा, और मैं ऊपर थी नहा रही थी, इन्होंने दूध गर्म करने के लिए रखा था, पूरा बॉईल हो गया वो, और स्मेल आ रही थी उसकी ऊपर तक, जला नहीं बॉईल हो रहा था, मतलब उसकी रबड़ी बन जाती अगर मैं नीचे नहीं आती तो,
और पता नहीं रबड़ी भी बन जाती है, और ज्यादा देर तक नहीं आती ना तो पूरा जल जाता वो। चलो अच्छा अभी बच गया दूध। चलो मैं रेडी हो जाऊँ क्या फिर जाने के लिए, या वो लेके आएंगे घर पे? वो आज क्या करेंगे? ये सनमाइका रहने देंगे, सनमाइका का जो ये है अपन वो साथ में लेके आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। और मकसद भाई एक्चुअली आ रहे हैं बंदे? एक्चुअली इनका यही काम रहता है सुबह सुबह उनको कॉल करना और उनको बुलाना। मुझे लगा मुझे ही बुला रही है, तो ये हो रहा है आजकल। और हमारे लवबर्ड्स देखिए, बहुत दिनों से आपने लवबर्ड्स नहीं दिखे ना, लवबर्ड्स दिखाती हूँ आपको। अरे ये भी ऐसे ही बैठे हैं। ये दूसरा लाया है हमने, एक पेयर और लाया था उसमें से एक मर गई बिचारी, क्या हो गया था उससे पता नहीं। तो इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा गलाठा करके रखा है, तो ये यहाँ पर ऐसे ही पड़ा है सारा कुछ। बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आपको, बाहर भी सारा गलाठा ही गलाठा है। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? कुछ नहीं खेल रहा हूँ। यहाँ पे? हाँ। बिना चप्पल पहने? हाँ। क्यों? इसमें सारे अद्विक के खिलौने हैं और इसके साथ अभी खेल रहा है अद्विक। पर ये इसमें इसकी गोली ऐसी है, पर ये बंदूक इतनी बड़ी कैसे होगी? तुमने देखी क्या? क्या आपने क्या आपने क्या ये बंदूक बंदूक देखी ना मैंने? कैसी? वो टूट गई ना, आपने एक दिन फेंक दी थी तो। यहाँ पे गलाठा देखो, यहाँ पे वो जिम रूम का सारा गलाठा, उसके बाथरूम में जो था और वो रूम में जो था वो सारा गलाठा यहाँ पर रख दिया है। डंबल्स का क्या हाल हो चुका है देखो, वर्कआउट तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। इसके नीचे भी एक डंबल है, और मेरे डंबल जो छोटे थे वो तो कहाँ चले गए, वो भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर चेयर, यहाँ पर ये तो पहले की है मेरी, अभी किचन ट्रॉलीज हो गई है तो कुछ काम की नहीं रही। बच्चों का कैरम वगैरह तोड़ दी अपने, ये पूरी की पूरी माइक्रोवेव का बॉक्स, ये मेरे दिए दिवाली के, सारा कुछ यहाँ पर गलाठा पड़ा है। चलिए आज आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मतलब आपको देखना था ना कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कितना गलाठा है घर में, तो आपने देख लिया होगा कैसे हम लोग रह रहे हैं, हमें ही पता। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदारी से ले रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा मैं गलाठा दिखा रही हूँ आपको भी, बट कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कैसे रह रहे हो ये वो, सब लोग समझ जा रहे हैं यार। मतलब लाइफ ही ऐसी है कि हम लोगों को ऐसे सिचुएशन से जाना ही पड़ता है कभी ना कभी, तो हम लोग कुछ ना कुछ तो ऐसे ही हो ही जाता है। उसके पीछे का रीज़न भी आपको मैं कभी बता दूंगी कि क्यों हमने इतना लेट किया, ये फॉल सीलिंग क्यों इतनी लेट की, या जो कुछ काम था ये पेंडिंग क्यों रहा हमारा, एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है उसके पीछे, तो बहुत लंबी कहानी है, वो भी आपको कभी बता दूंगी। इंटरेस्टेड हो सुनने में तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं एक दिन आपको बता दूंगी कि क्यों हम जल्दी रहने आए हैं यहाँ पे, क्यों क्या क्या हुआ था, मतलब कैसे मुझे सारा कुछ झेलना पड़ा यहाँ पे, क्या क्या झेलना पड़ा, सब कुछ मैं आपको उस ब्लॉग में बताऊंगी, मतलब उस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आज दिखाने लायक यही था। मैं सोच रही थी कि आपको वहाँ पर सनमाइका के शॉप में जाऊँगी तो वो दिखा दूंगी, बट वो नहीं दिखा सकती हूँ मैं अभी, क्योंकि वो जो कारपेंटर है हमारे वो बोल रहे हैं कि घर पे ही सनमाइका शीट लेके आएंगे, जो पूरा उनका कैटलॉग होता है वो लेके आएंगे और उसके बाद आप सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे, बट आज लेने वाले नहीं है, आज सिर्फ थोड़ा सा ही सामान लेंगे, पता नहीं अभी क्या लेने वाले हैं वो तो ये भी लेके आ सकते हैं, इसीलिए मुझे तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट वो मायका वगैरह सिलेक्ट करने के लिए इसीलिए मुझे लेके जाता है, क्योंकि मेरे मतलब
जो कुछ हुआ है यहाँ पे, मतलब जो कुछ आपको दिख रहा है वो मेरी चॉइस ही हुआ है, तो इसी वजह से वो बोलते हैं कि नहीं आप अपनी ही चॉइस से करो, क्योंकि घर में दिन भर आपको रहना पड़ता है, मुझे नहीं रहना पड़ता है, और आपको जो पसंद आए वो करो, नहीं तो जो पैसा लगाते हैं हम लोग तो वो वेस्ट जाएगा पूरा, आपको ही कुछ पसंद नहीं आएगा, मेरे पसंद से मैं करूँगा तो मुझे घर पर तो रहना पड़ता नहीं है इतनी देर। सबके हस्बैंड का ऐसे ही होता है, जिनको घर में रहना पड़ता है तो उनकी पसंद का होता है घर पर, मतलब लेडीज़ की पसंद का ज़्यादा होता है घर पर। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और आपने देख लिया तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, थोड़ा थोड़ा काम हुआ है, पूरा काम हो जाने के बाद तो आपको दिखाई दूंगी मैं, बट अभी आपने जो देखा है वो आपको कैसा लग रहा है, और गंदगी छोड़ के, मतलब जो मेस है वो छोड़ के, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और प्लीज़ यार शेयर कर दिया करो वीडियो को, आप मुझे दी मानते हो यार, और आप मेरे वीडियो ही शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ इतनी हेल्प कर दिया करो, मेरी वीडियो शेयर कर दिया करो, और मुझे पता चल जाता है कि किन किन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब करके मुझे देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करके मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिएगा, उस पर ऑल पे क्लिक करना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे मेरे ब्लॉग के। और हाँ आपने अगर सब्सक्राइब किया है और बेल बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ वो भी दबा दीजिए, ऐसा करिए आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो आपका अगर रेड बटन ग्रे हो चुका है तो आप ऐसा करिए उसको अनसब्सक्राइब करिए, फिर से सब्सक्राइब करिए, और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे आके बोलते हैं कि दी आपके वीडियो के नोटिफिकेशन ही नहीं मिलते हैं, उसके लिए यही सोल्यूशन है, आप अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर, बहुत बकबक हो गई आज, बहुत सारी बातें हो गई आपसे, और हाँ मेरे दूसरे चैनल का प्रमोशन करना तो बाकी ही है, तो मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।